माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े होदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में MLA और पश्चिम बंगाल में कई साल तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है, आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ा। हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है, संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं। जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकाले। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है, इसी को तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है।
बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही है। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तर्कों में ताकत रहती है, लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं, आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, ज्वाइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी, इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकंड चैम्बर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकंड चैम्बर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है
उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मजा वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये सदन बहुत सुरली चलेगा, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद।